Haben die mal die Wohnung? Nee. Eigentlich. Oh. देखिए आपका क्या नाम हुआ? गांधी भाई। आपकी जो जमीन को आपने 2014 में बेचा उससे संबंधित पटना में इंटरटेक डिपार्टमेंट के कुछ ने आपको बुलाया था गवाही लेने के लिए। अब गए थे गवाही देने के लिए। देखिए आपकी का दस्तखत है ये, जो आप वहाँ गवाही देकर के आए हैं, है ना। इसमें आपसे गवाही लेने वाले थे वहाँ, उन्होंने अपना नाम आपको बताया था जो गवाही आपका ले रहे थे? नाम नहीं बताया। नहीं बताया उनका नाम जो भी आपसे गवाही ले रहे थे, क्या आपने उनको ऐसा कहा था कि जमीन आपने किसकी रवानी को बेचा है? ऐसा आपने नहीं कहा। आपने उनको क्या बताया? मंदिर के नाम से आपने ये सब उनको नहीं, उनको नहीं किसकी रवानी की। आप किसकी रवानी को बेची आपने नहीं कहा। आपने क्या कहा था कुछ जो है आपके लिए? तो आप जो जिस समय ये पूरा लिखा गया था आपके सामने, आपने उसको पढ़ के उसको दस्तखत किया था कि उन्होंने कहा था कि साइन कीजिए? उसमें हम पाने जगह किया गया, उसमें हम बानवे के पढ़ा लिखा गया, उसमें दस्तखत करेगा। अच्छा, आपको पता नहीं था कि उसमें क्या लिखा हुआ? उनको हम बोल दिए थे सर कि हम नहीं पढ़ा रहे, हम बामन में थोड़ा सा पढ़े थे। अच्छा, हम 80-85 की उम्र है, नहीं नहीं जो है सिर्फ लिखी। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है आपके उत्तर में, आपका उत्तर देते हुए कि उनको प्रश्न दिखाया है, आपसे पूछा है उपयुक्त जमीन आपने कब किसको और कितने में बेचा, जमीन बेचने के पीछे क्या कारण था वो भी बताइए। आपका उत्तर उन्होंने लिखा है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने उपयुक्त जमीन वर्ष 2014 में गिट्टी नवानी को 48 लाख में बेचा। ऐसा आपने कहा था वहाँ? नहीं कहा। आपने उन्हें क्या कहा था कि इसको किसको बेचा है आपने? पूछे तो हम बोले कि मंदिर के नाम से भारत सोसाइटी को बेचा था। उसमें एक और चीज़ उन्होंने लिखा है कि ये ज़मीन आपको कैसे मिला? ये ज़मीन तो आपका खानदानी ज़मीन है जो आपको बोध गया मठ से मिला। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह ज़मीन, आपने उत्तर दिया है कि यह ज़मीन मुझे बिहार सरकार से परवाना में मिला था। आपने ऐसा कहा था वहाँ? नहीं कहा। तो ये ज़मीन आपको बिहार सरकार से परवाना में नहीं मिला था? नहीं मिला। तो ये जितनी बातें इसमें लिखी गई हैं आपके तरफ से कि आपने उत्तर दिया, ये गलत है? गलत है। आपको ऐसा बयान देने के लिए जो बात इसमें लिखा गया है, ऐसा ही बोलने के लिए, क्या जो आपसे गवाही ले रहे थे आपको डांट डपट किए थे, धमकाए थे? ना, उसकी कड़ा रूप से तो जरूर पूछते, कड़ा रूप जरूर पूछते। ठीक है, ये कितनी बातें लिखी गई है आप न्यायालय में बोलिएगा ना कि ये सब बात हमने नहीं कहा था, और चूंकि मैं पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन इतना आप पढ़ नहीं सकते। इसको पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। ठीक है।